हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम उन स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे जो फरवरी के महीने में लॉन्च होने वाले हैं, और बताएंगे कि आपको उसके क्या क्या फीचर और क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं और उसके प्राइस के बारे में। तो देखते रहिए इसके लिए मेरे वीडियो को। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं कि कौन कौन से फ़ोन है जो फरवरी के महीने में लॉन्च होने वाले हैं। तो जो पहला फ़ोन है वो है सैमसंग गलेक्सी M02। ये आपको लगभग 7 फरवरी को अमेजोन पर लॉन्च होने वाला है, और इसकी जो प्राइस है वो आपको 6,999 रुपये की प्राइस लगी। और अब इसकी फीचर की बात करें तो इसमें आपको 6.5 इंच का HD डिस्प्ले मिलेगा, मीडियाटेक का प्रोसेसर लगा है इसमें, आपको 13+2 मेगापिक्सल का डबल कैमरा मिलेगा, 5 मेगापिक्सल के लिए सेल्फी कैमरा दिया गया इसमें, और 3 GB की रैम और 32 GB के इंटरनल के साथ साथ इसमें 5,000 लंबी बैटरी भी दी गई है। तो जो नेक्स्ट फ़ोन है वो है सैमसंग गलेक्सी F52 की तरफ से, और इसमें आपको स्नैपड्रैगन 750G का प्रोसेसर लगा है और 6.5 इंच की डिस्प्ले दी गई है इसमें आपको। कैमरा के इसमें आपको 64+12+5+5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, और 4,000 mAh की बैटरी दी गई है। और इसकी प्राइस की बात करें तो ये लगभग 20,000 के आसपास में ये फ़ोन आपको आ जाएगा, और जो इसकी डेट है वो लगभग 19 फरवरी को लॉन्च होने वाला है। तो ये एक 5G फ़ोन है और 20,000 के अंदर में फ़ोन आएगा ये। नेक्स्ट फ़ोन है वो है Realme X1 Pro की तरफ से, और इसके जो लॉन्च डेट की बात करें तो ये 4 फरवरी को इंडिया में लॉन्च होने वाला है, और इसके जो प्राइस की बात करें तो वो आपको 23,000 रुपये के आसपास में आपका ये फ़ोन आसानी से मिल जाएगा। और जो अगला फ़ोन है वो है Xiaomi MI 11 की तरफ से, ये फ़ोन आपको 11 फरवरी को देखने को मिल सकता है, और इसकी प्राइस की बात करें तो ये फ़ोन आपको 44,000 रुपये के आसपास में आ जाएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि फरवरी के महीने में एक नया मोबाइल खरीदा जाए, तो यही सब मोबाइल है जो फरवरी के महीने में लॉन्च होने वाले हैं।